तो फ्रेंड्स, दक्षिण कोरिया की दिग्गज ऑटोमोबाइल्स कंपनी हुंडई ने अपनी सबसे छोटी सबसे सस्ती स्मॉल एसयूवी बेयोन को पेश किया है और खास तौर से इसे डिजाइन किया गया है स्मॉल सेगमेंट के लिए, लेकिन देखने में काफी प्रीमियर लुक है और सभी एडवांस फीचर्स इस गाड़ी में मिलने वाले हैं और 40 से ज्यादा कंट्रियों को इसमें लॉन्च किया जा रहा है इस गाड़ी को। तो क्या ये इंडिया में भी आने वाली है और क्या होंगे इसमें फीचर्स, ये सारी इन्फॉर्मेशन आज की इस इम्पॉर्टेंट वीडियो में आपके साथ हम शेयर करने वाले हैं। तो इसी तरह लेटेस्ट ऑटोमोबाइल्स अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने सभी फ्रेंड्स के साथ, साथ ही प्रेस करें बेल का आइकॉन भी, ताकि आप जब भी कोई कमेंट्स करें उसका विदिन 24 आवर्स आंसर मिल जाए हमारी चैनल टीम द्वारा। तो दोस्तों, इस गाड़ी में बिल्कुल न्यू डिज़ाइन है। इसके फ्रंट बम्पर पर सिंगल पीस फ्रंट ग्रिल दिया हुआ है जो बहुत ही स्लीक है और इसके अलावा त्रिकोणीय आकार के LED हेडलैम्प्स इसमें इंस्टॉल किए गए हैं। सिल्वर बेस प्लेट है जिसे काफ़ी स्टाइलिश लुक देते हैं। आप इसका इंटीरियर देखिए जो काफ़ी प्रीमियर नज़र आता है, चाहे उसकी रियर सीट्स हैं या सेंटर कंसोल है, या आप देखिए इसके टायर्स भी काफ़ी अट्रैक्टिव बनाए गए हैं। ड्यूल टोन बम्पर रिफ्लेक्टर और सिल्वर फॉक्स प्लेट दी हुई हैं जिससे बियॉन काफ़ी टफ लुक देती है। और आपको हमने इसका इंटीरियर दिखाया जिसमें मिलता है 10.25 इंच का डिजिटल क्लस्टर, इसके अलावा 10.25 इंच का ABN या 8 इंच के डिस्प्ले, ऑडियो कनेक्टिविटी फीचर सभी कुछ आपको इस गाड़ी के अंदर मिलने वाला है। इसके अलावा जो शानदार फीचर्स इस गाड़ी में मिलेंगे उसमें है फ्रंट पैसेंजर फुट एरिया, फ्रंट डोर पुल हैंडल, इसके अलावा कंसोल के नीचे भी आपको स्टोरेज एरिया मिलने वाला है। और दोस्तों, इसमें वायरलेस एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो सभी एडवांस सिस्टम मिलने वाले हैं हुंडई की अन्य सभी गाड़ियों की तरह। साइज में जरूर ये गाड़ी कॉम्पैक्ट होने वाली है लेकिन फीचर्स में बिल्कुल लाजवाब होने वाली है। इसमें कई सेमी ऑटोनोमस ड्राइविंग फीचर्स दिए गए हैं, जैसे कि वाहन को अपनी लेन में चलाने के लिए लेन फॉलो असिस्ट यानी LFA इस गाड़ी में आपको मिलेगा। इसके अलावा फॉरवर्ड कॉलिजन एवॉइडेंस असिस्ट यानी कि FCA इसका अलार्म सिस्टम्स होता है और जिससे कि टक्कर को रोकने के लिए ब्रेक लगाने के लिए ये सिस्टम इसके अंदर दिया गया है जो काफ़ी सेफ रखता है ड्राइवर को और गाड़ी को। और दोस्तों, इस गाड़ी में i20 के जैसा ही इंजन मिलने वाला है, 1.0 लीटर TGDI इंजन मिलेगा इसके टॉप वेरिएंट्स में। इसके अलावा एक सिस्टम और होगा जिसमें 48 वोल्ट और 120 का पावर जनरेट होगा। बात करें इसके पावर की तो 6 स्पीड का इंटेलिजेंस मैनुअल ट्रांसमिशन जिसे आजकल सभी लोग पसंद करते हैं यानी IMT ट्रांसमिशन इसके साथ मिलेगा। इसके अलावा एडवांस फीचर्स में 7 स्पीड का ड्यूल क्लच ट्रांसमिशन यानी कि 7 DCT भी इसके साथ मिल सकता है और 1 लीटर का TGDI इंजन का ऑप्शंस है। और 3 मोड्स ड्राइविंग के इस गाड़ी में आपको मिलेंगे जिसमें 3 ड्राइविंग मोड में है, इको, नॉर्मल और स्पोर्ट्स, जिसमें ड्राइविंग की कंडीशन के अनुसार इंजन का परफॉर्मेंस आप ले सकते हैं अपनी चॉइस के अनुसार। इसके अलावा साइज की अगर हम बात करें तो 4180 mm इसकी लंबाई है, 1775 mm चौड़ाई है और 1490 mm इसकी ऊंचाई है। 15 इंच के व्हील्स इसमें मिलते हैं और 17 या 16 इंच के एलॉय व्हील्स का ऑप्शन इसमें मिल सकता है। बूट स्पेस भी इस स्मॉल सेगमेंट की गाड़ी में बहुत ही ज़बरदस्त है, 411 लीटर का बूट स्पेस इस गाड़ी में मिलेगा। और दोस्तों, ये इंटरनेशनली गाड़ी लॉन्च होने वाली है शीघ्र, तो जैसे ही इसके बारे में अपडेट होता है कि इंडिया में कब लॉन्च होगी इसकी भी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। तो क्या सोचते हैं आपको हुंडई की ये गाड़ी किस सेगमेंट में रखनी चाहिए? क्या ये वेन्यू से डाउन सेगमेंट में आनी चाहिए इन एडवांस फीचर्स के साथ में? तो निश्चित रूप से काफ़ी अच्छी सेल पिकअप कर सकती है इंडिया में। तो आपको ये गाड़ी कैसी लगती है कमेंट्स बॉक्स में लिखिए। और दोस्तों, नई नई इन्फॉर्मेशन और ऑटोमोबाइल अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा अगर आपकी कोई भी ऑटोमोबाइल क्वेरी या इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ दोस्तों, सड़क पे रखिए सेफ्टी का ध्यान
आप बेशक किसी भी ब्रांड की गाड़ी रन करते हैं, स्पीड रखिए लिमिट में, क्योंकि सुरक्षा निर्भर करती है सुरक्षा फीचर्स के अलावा आपकी स्पीड पर भी। तो हमेशा स्पीड रखिए हमेशा लिमिट में, ताकि आप हमेशा सुरक्षित रहें। नमस्कार दोस्तों।